क्या आतंकवादी कोई उग्रवादी कोई बदमाश जाके के लाइब्रेरी में पढ़ता है? जो पर्दे के पीछे थे मैंने फैसलों बना करके अमित शाह क्या है, कड़ी पार है वो, गुंडा है वो, उससे आता है ये। और आज ये पार्टी इतनी ताकतवर है, अगर ये 10 लोगों को रोज गोली मारने का ऑर्डर दे दे वो ऑर्डर भी पास हो जाएगा, ये दोनों सदनों में पास हो जाएगा, क्योंकि इनके विपक्ष में कोई है नहीं। अब जो है कड़ी पार राज कर रहे हैं, ये बीवी को न चला सके, पूरी ऑल इंडिया को चला रहे हैं, तो मुझे क्या सबके सब बेवकूफ है। और अमित शाह सारे अकलमंद हो गए, अमित शाह अकलमंद हो गए। जो कड़ी पार था, जो कभी जो है जेल के अंदर था, आज जो है देश का गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले पे। हमने केजरीवाल को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जितना झूठा मक्कार आदमी है वो, हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज हेल्पलाइन चैनल में। इस वक्त हम खड़े हैं जनता मंत्र पे, जहाँ पे कि सीएए के खिलाफ लगातार प्रदर्शन है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एएनपी पार्टी के अध्यक्ष हैं दुआ साहब, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है सीए के लिए। और ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि सीए को विड्रॉ किया जाए परमानेंटली, तो वो एक बड़ा सवाल है। सर स्वागत है आपका। सर जो आप सीए के लिए एक मांग रख रहे हैं कि विड्रॉ किया जाए परमानेंटली, क्या कारण है और क्या उसमें आपने चीज़ें देखी है जिसके लिए आप कह रहे हैं? सीए मैंने बार बार कहा, सियासतदार का कि सियासत करो ना मेरे भाई, देश के विकास के लिए करो, दिल्ली की विकास के लिए करो, बहु बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए करो, रोजगार के लिए करो, हमारी ये समस्या नहीं कर रहे। ये जात पात पे अभी बर्निंग इशू जो है, अयोध्या का इशू शांत हुआ, देश जो है आग में झुलसने वाला था, तो वो बड़े संयम से हमारे दूसरी कम्युनिटी तीसरी कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया और ख़त्म किया। अब दूसरा इशू इन्होंने एक बार बना दिया कि नहीं जी हमें तो समाज को तोड़ना है, जात पे हमें ले जाना है, मजहब पे ले जाना है। तो ये जो जात और मजहब का जो ये इसमें बू डाल दिया गया, और यही कैब का सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, ये गलत है। हम कैब जो है कि अभी तक तो हम एक धर्म के ऊपर है, लेकिन अभी इसे राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक रंग इसलिए कि कोई भी समस्या का समाधान जो है वो जनता अगर आवाज़ उठाती है, दो चार लोग होते हैं नहीं जाता, हर राजनीतिक अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये है कि कैब नहीं होनी चाहिए समाज में, जो हमारी इक्वलिटी है, समानता की बात है, हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे किसी को फिरंगी कह दो, किसी को कहो कि मैं देसी हूँ और वो विदेशी है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे हमारा उस्ताद उस्मिल्ला बिस्मिल्ला खां, हमारे जो है ये जो है अब्दुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग हुए हैं, वहाँ पे जात और धर्म के देश को नहीं चला सकते। हम विषमता में एकता का देश है हमारा, हमारी संस्कृति का। लेकिन इसमें गृह मंत्री खुद भी तो कह रहे हैं कि हम इसको ना धर्म से बांटें ना कुछ, और हमें इसमें किसी भी मुस्लिम भाई के वो तो कहेंगे चूँकि उनका राजनीतिक है, वो तो कहेंगे, लेकिन उन्होंने काम जो किया है वो RSS के इशारों पे किया है, यहूदियों के इशारों पे किया, उनको वो पैसा मिल रहा है कि इनको तोड़ो, और तोड़ो इसलिए तोड़ो कि जिस तरह से डिजिटल पाकिस्तान है, वहाँ पे बलूचिस्तान और बाकी कंट्री की मांग कर रहे हैं अलग अलग देश बनाने का, तो ये जो बाहर के जो यहूदी लोग हैं, ये जो हमारे जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे अमन और अशांति फैलाना चाहते हैं, अमन को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक और ऐसी मूवमेंट बना दिया जाए कि दूसरा एक पाकिस्तान और बन जाए, या बांग्लादेश बन जाए, एक मुस्लिम कंट्री बन जाए, एक सिखों का कंट्री बन जाए, कल को जो है बौद्धिस्ट कहें कि मैं अलग कंट्री बनाऊंगा, सिख कहेंगे अलग खालिस्तान बनाऊंगा, तो ये जो हम मिल के रहते हैं, तो यहाँ पे वो अभी बड़ा आसानी से बड़े प्यार वो कहते नहीं कर रहा धर्म पे, लेकिन आपने धर्म पे नहीं किया, तो आपने जो कहा कि क्रिश्चियन जो है अफगानिस्तान से उनको नागरिकता, भाई अफगानिस्तान में कौन क्रिश्चियन रहता है, पाकिस्तान में कौन क्रिश्चियन रहता है, आपने उसमें मुसलमान बाकी, आप वो कहते हैं कि कोई भी धर्म का लोग, जो लोग हिंदुस्तान में रहता है या जो लोग बाहर दुखी हैं, ये कहना है कि अल्पसंख्यकों के लिए ना कि बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, उसमें जात की बात आई ना, मुसलमानों को उन्होंने क्राइटेरिया हटा दिया और कहा कि जो वो होंगे, आप बांग्लादेशी आप हालात देखिए, क्या ये रोहिंग्या का देश बनाना चाहते, जैसे रोहिंग्या का उनको ग्रुपों में मार दिया गया और नालों में बहा दिया गया, क्या हिंदुस्तान में वही काम करना चाहते हैं? ये नहीं कह रहे कि मैंने मुसलमानों पर नहीं किया, लेकिन जिनका स्टाइल है काम करने का, जो इनको सामने नज़र आ रहा है, आज जो ये जन का सारे करोड़ों लोग जो जन आंदोलन कर रहे हैं आसाम में, बंगाल में, केरला में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, सोलापुर में, दिल्ली पूरा आग लग रही है, क्या सबके सब बेवकूफ़ हैं? और अमित शाह अकलमंद हो गए, जो तड़ी पार था, जो कभी जो है
जेल के अंदर था, आज जो है देश का गृहमंत्री, तो गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले पे कि ये जो है आंदोलन, ये जो कैब है इसको रद्द किया जाए और हम जो है समाज को बटने नहीं देंगे। ये समाज हमारा जो है सेकुलर कंट्री है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलते हैं, हम लोग जो है विषमता में एकता का हमारा देश है, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आज 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 अमित शाह का जयकार हम करने के लिए तैयार है। पहले एक तरफ आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 3 दिन से दंगे हो रहे हैं, चल रहा है 3 दिन हो गए, आप एक तरफ विकास की बात करते हो, एक तरफ इस तरीके की जब चीज़ें देखते हैं तो क्या लगता है कि कैसा स्थिति है दिल्ली की? देखिए दिल्ली में हम बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे कि कैब बंद होनी चाहिए, ये जो भी बना है वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारे दिल्ली की पुलिस से बिना पता नहीं किसके ऑर्डर से जा कर करके जो है वो एक तो आग लगवाते हैं, दूसरी बात में जा करके स्टूडेंट के लाइब्रेरी के अंदर जो पढ़ने का, क्या आतंकवादी कोई उग्रवादी कोई बदमाश जा करके लाइब्रेरी में पढ़ता है? वहाँ पढ़ता है, वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, भोले भाले उनको IAS IPS बनना होता है, डॉक्टर इंजीनियर, वो लाइब्रेरी में जाके आप गोली चला रहे हो, डंडा चला रहे हो, मस्जिद में जाके डंडा चला रहे हो, आप किसी भी धर्म के ये में जा करके आप डंडा चलाने का अधिकार किसने दिया? ये जो पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है, ये जो उनको क्या संयम नहीं बरतना चाहिए था, उनको समझना नहीं चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था? आज मैं जंतर मंतर पे बैठा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए कि एक तरफ बैरियर लगा हुआ, दूसरी तरफ बैरियर लगा हुआ, क्या हमारे हाथों में कोई हथियार है? क्या हमारे हाथों में कोई, आप एक तरफ ये कह रहे हैं अहिरा जो आपने बनाया है नेशनल पार्टी, इसका क्या मकसद है दिल्ली में जब ये करेगी काम, तो क्या क्या मकसद लेके आऊँ? दोस्तों मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मानवाधिकार का कार्य हूँ, 32 साल से मैंने काम किया, मैं मानवाधिकार का रिफॉर्मर हूँ इंडिया का, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स को देखते हुए, लोकतंत्र को खतरे में देखते हुए कि एक तरफ जो है एयरपोर्ट बेचा जा रहा, रेलवे स्टेशन बेचा जा रहा, लोग 14 कॉर्पोरेट हाउसों के हाथों में देश को बेच रहे हैं और अंग्रेजों के स्टाइल में यहाँ पे पूरा जो है देश को अपनी मुट्ठी में लेना चाह रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दिल्ली की सरकार जो है वादा कर रही है, भीख दे रही है, फ्री फ्री कर करके किसका, जनता का पैसा को बर्बाद कर रही है, और उसको रोजगार देना चाहिए, महंगाई पे अंकुश लगाना चाहिए, जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, दूध बढ़ रहा है, प्याज 240 रुपया हो रहा है, 40 रुपये में तो सरकार गिर गई थी दिल्ली में, और आप 240 कर रहे हो, प्याज आप ले रहे हो 10 रुपये किलो, किसानों से ले रहे हो 2 रुपये किलो, आलू ले रहे हो 2 रुपये किलो, टमाटर ले रहे हो 2 रुपये किलो, आप बेच रहे हो 100 रुपये किलो, तो ये जो घपलाबाजी है इसको आप खत्म, इसको खत्म करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी को हम लोग लाए, मानवाधिकार इंसानी हकूक पे, मानवाधिकार इम्यूनिटी के नाम पे हम लोग आगे आ रहे हैं, ताकि सभी का भागीदारी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर, इंजीनियर, सबकी भागीदारी लेके दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा पे हम लोग कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, दिल्ली के जमुना को साफ करेंगे, यहाँ पे 3 गुना रोजगार देंगे, हम लोग विकास करेंगे और दिल्ली को 24 घंटा 3 शिफ्टों में, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में दिल्ली को खोलेंगे, ताकि चारों तरफ लाइटें हों, सड़कें जो है कहीं डार्क स्पॉट नहीं हो, कहीं बलात्कार नहीं हो, हमारी बहू बेटियां लड़कियां 2 बजे रात में भी अगर सड़कों पे घूमती हैं तो वो आराम से शान से घूम सके, उनको डर महसूस नहीं होना चाहिए। ये अहिरा नेशनल पार्टी के अध्यक्ष जी ने बताया, और भी यहाँ जनता है जो इनके साथ जुड़ी हुई है और जो इस पूरे सुन रही है, मैडम आप ये पकड़ के खड़े हैं, क्या आप समझते हैं किस तरह की स्थिति है देश में? बैंगलोर से आई, मैं बैंगलोर से आई हूँ, मेरा नाम शंदो सुल्ताना है, मैं आलिम जाऊँ मैं इसकी चीफ। अच्छा, तो क्या समझ रहे हैं इस वक्त किस तरीके का माहौल बना हुआ है? माहौल तो इसमें जो लगा है, झगड़े जो हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। फसाद में जो आदमी लोग मर रहे हैं, पढ़ने के लिए जो आए हैं, एक उम्मीद लेके यहाँ दिल्ली में आए हैं, इन बच्चों की जो हिफाजत नहीं हो रही है, वो हिफाजत के लिए हम लोग सड़क पे आए हैं। सर आप कहाँ से आए? मैं दुआ जी के साथ, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली से निकले हैं, इसलिए मैं इनके साथ, मैं मायावती जी से लेकर के और केजरीवाल का उद्घाटन तो कैप्टन अब्बास साहब का किया तो हमने कराया था, मैं सब सिर्फ अकबर चौधरी, तो मैं इनके साथ इसलिए लगा हूँ कि समाज के लिए, देश के लिए विकास की बात कर रहे हैं और एक NGO भी चलाते हैं ये, जब मुझे लगा कि भाई ये जो है अब जो है तड़ी पार राज कर रहे हैं, जो बीवी को ना चला सके, पूरे दिल्ली को, पूरे ऑल इंडिया को चला रहे हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि अब इनका दुआ जी के साथ लगना चाहिए। CAB पे क्या कहने देंगे? CAB जो एक बात बताइए, CAB क्या कहना चाहेंगे? पूरे अगर एक आदमी मारा जाता है, 11 आदमी मारे जाते हैं मंडल कमीशन पे, तो देश का प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान को, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया और कोई ये इस्तीफे की बात नहीं कर रहा, ये कैसा लोकतंत्र कहाँ ले जाना चाहते हैं ये बताइए आप।
कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? ये गांधी का देश है, ये लोहिया का देश है, ये अम्बेडकर का देश है, ये सरसैयद का देश है। अगर गांधी का देश है तो फिर हिंसा कैसे भड़क रही है? अरे भाई हिंसा कौन लोग हैं? आरएसएस की जो चाबी है, जो पर्दे के पीछे से मैनोफेस्टो बना करके अमित शाह क्या है, तली पार है, वो गुंडा है, वो उससे आता है। ये एक मैनोफेस्टो बनाती है जिसका नाम है आरएसएस, वो उसको पकड़ाते हैं, वो पढ़ते हैं, जो मैनोफेस्टो देते हैं वो उसी के ऊपर मैनोफेस्टो पे काम करते हैं। ये सारा आरएसएस की लोबी चल रही है और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जितना भी भाईचारा है उसको ये नष्ट कर रहे हैं। सर राजनीति में क्या है कि कोई इस पे नाम डाल रहा है, कोई इस पे डाल रहा है, बीजेपी वाले आपको, आप वाले बीजेपी को? देखिए हम आम आदमी और आरएसएस बीजेपी को दो नहीं समझते, दोनों एक ही रूपरेखा है। हमने केजरीवाल को भी अच्छी तरीके जानते हैं, जितना झूठा मक्कार आदमी है वो हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। बताइए कहाँ है वीआईपी की बात करता था वो, गाड़ी सबसे बड़ा बंगला लिया है उसने, रही स्थिति का एनडीएमसी का जो डायरेक्टर था, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम जनता के लिए जो काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, हम उसके साथ लगेंगे। अब दुआ जी ने जो है झंडा उठाया है, हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में हमारी अगर 4 या 10 सीटें भी आती हैं लेकिन जनता के लिए काम करने वाली पार्टी, इसको इसीलिए लेकर के आए हैं हम कि हम समाज को देश को एक अच्छी दिशा दें और लोकतंत्र को जो खतरे में पड़ा हुआ उसको जो है बचा सके हम। चलिए इनकी हमने सुनी कि किस तरीके से इन्होंने सीएबी पे अपनी पार्टी के और जो भी इनके वादे हैं, जो भी ये मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं इस पे ये एकदम स्थिर हैं और दृढ़ संकल्पित हैं कि ये इस पे काम करेंगे और जो भी देश में हालात हैं उस हालात पर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अफवाह ना फैलाएं। और बिल्कुल भी इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हो रहे हैं, सर आपका नाम कहाँ से है? मेरा नाम प्रमोद सागर है, मैं जंगपुरा भोगल से आया हूँ, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ जी। किस तरीके से आप ये जो आज हो रहा है देख रहे हैं उसको क्या समझते हैं दिल्ली के हालात? देखो साहब दिल्ली के हालात क्या, पूरे देश के हालात देखो, पूरे देश में आग लगी हुई है, 3-4 लोग देश के बहुत ताकतवर हो गए हैं, वो रात के अंधेरे में कानून बनाते हैं, राष्ट्रपति को भेज देते हैं, राष्ट्रपति ने एक भी कानून ऐसा नहीं है जो नहीं, वापस भेजा। अंधेरे में कौन सा कानून है वो, जो कानून का नाम बताएं हमें पूरा। नोटबंदी ये भी भेजा, रात में भेजा गया, वो पास हो गया, अभी जो गवर्नमेंट गिराई गई उसमें तो लोकसभा चली ना एक दिन, लोकसभा चली एक बार, कोई पेपर नहीं दिया जाता किसी को, कोई तैयारी नहीं करने दी जाती, सिर्फ पहले 10 मिनट पहले पेपर जाता है। और आज ये पार्टी इतनी ताकतवर है, अगर ये 10 लोगों को रोज गोली मारने का ऑर्डर दे दे वो ऑर्डर भी पास हो जाएगा, ये दोनों सदनों में पास हो जाएगा क्योंकि इनके विपक्ष में कोई है नहीं। दूसरी चीज, और ये जो गुजरात मॉडल था, इनका जो क्राइम मॉडल 2001 से जो शुरू हुआ, पहले गुजरात का दंगा हुआ, फिर सोनाबुद्दीन, आज की बात कीजिए अभी की सर पे बात, जो आज की जो बात है, एक ऐसी कास्ट को बना टारगेट बनाया जा रहा है, पहले ये मुसलमानों को टारगेट बनाएंगे, फिर ये क्रिश्चियन को टारगेट बनाएंगे, फिर उसके बाद ये दलितों को टारगेट बनाएंगे, और ये इनका इनका एक तो विचार आपको है। लग रहा है कि धार्मिक रंग देने की, बिल्कुल धार्मिक रंग देगा, ये जब ये हिंदुत्व देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो। और दूसरी चीज ये है, 20% लोग पूरे देश पर राज करना चाहते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, उस पैसे से ये चाहेंगे कि सारे लोगों को नष्ट कर दिया जाए, उनकी जीवन रेखा खत्म कर दी जाए, वो पढ़ने से लाचार हो जाए, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नीचे नीचे रहेंगे, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अभी पीछे आपने देखा होगा कई जगह इन्होंने ऐसी नौकरियां दी हैं, वो अपने आप ही उनको साइन करेंगे और वो अपने आप वो नौकरी पालेंगे बड़े बड़े लेवल पे, मतलब जो अपने आप का आप देख रहे हो कि जितनी शिक्षा हो रही है उनके जितने रिजल्ट आ रहे हैं वो सब पेपर आउट हो रहे हैं। आपने सीएबी देख लिया पूरा? सीएबी देख लिया सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या कमी उसमें दिखी? कमी बहुत है, पूरे देश में बाढ़ आती है जी, बाढ़ आती है, कोई माँ बाप पानी में जा रहे थे, उनका बच्चा बह के निकल गया, माँ बाप मर गए, बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज उसके पास ना तो कोई अपनी आईडी है, ना वो बता सकता था, वो तो सीएबी में बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास जो 1947 से जिए लेकिन उनके पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं है, वो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं। आप पूरे देश में देखो सर, पूरे देश बिहार में पानी बड़े बाहर जो आता है तो पूरा बोल नहीं सकते, घुल जाता है। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल अपने ऊपर रखता हूँ और इस बात पे कि हमारे पास समय थोड़ा कम है इसलिए हम इसको यहीं खत्म करेंगे डिबेट को, लेकिन एक डिबेट गर्मा गर्म रही, क्यों? क्योंकि सबने अपने अपने पक्ष रखे हैं, कोई सरकार पे आरोप करता है, कोई सीएबी पे, और कोई कह रहा है कि दिल्ली की जनता को इस बार सुधारना होगा और दिल्ली की जनता के लिए विकास के काम करने होंगे। कैमरा पर्सन रीना के साथ पवन कुमार जुनेजा, स्पोर्ट न्यूज़ हेल्पलाइन दिल्ली।